थी और वह राजकुमार को महल के एक गुप्त कमरे में छुपा कर रखता था। जल्द ही राजकुमार के मुंडन संस्कार का समय आया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, अनुसार शाही नाई को बुलाकर ले आता है। महाराज, मैं शाही नाई को ले आया हूँ, चलो मेरे साथ। कमरे में बैठकर यही सोचता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, मेरे कान ऐसे क्यों हैं, और यही सोच-सोचकर राजकुमार बहुत उदास हो गया। तभी राजा राजकुमार के कमरे में शाही नाई को लेकर आया और गुप्त रूप से मुंडन की विधि संपन्न करवा दी। कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात राजा ने नाई को अपने कमरे में बुलवाया और चेतावनी दी, कि वह इसके बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहेगा। दिन गुजरते गए और उसका पेट फूलने लगा। मुझे किसी को बताना ही होगा, नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक शानदार विचार कौंधा। वह एक पुराने पेड़ के पास गया और जल्दी से उसने वह रहस्य पेड़ के कान में फुसफुसा दिया। तुरंत ही उसे राहत महसूस होने लगी और उसका पेट अपने सामान्य आकार में आ गया। यह पेड़ राजा के इस राज को जरूर गुप्त रखेगा। दिनों के बाद एक ढोलकिया एक नई ढोलक बनाने के लिए अच्छी लकड़ी की तलाश में जंगल में आया। वह ठीक उसी पेड़ के सामने आकर खड़ा हो गया जिसे उस नाई ने अपना राज बताया था। यह ठीक
वैसा ही पेड़ है जिसकी तलाश में मैं था। चलो इसी पेड़ की लकड़ी से ढोलक बनाता हूँ। उसने जल्दी अपने लिए एक नई ढोलक बना ली। उस नई ढोलक को लेकर महल में राजा के सामने गाने के लिए गया। अब मैं इस नई ढोलक को लेके राजा के महल जाऊंगा। ढोलकिया को दूर से आते देख संतरी खुश हो गया। राजा खुश हो जाएंगे। मैं राजा के लिए एक नई ढोलक बना लाया हूँ। तो राजा को खुश करने के लिए कुछ बजाओ। आज वे बहुत गुस्से में हैं। अचानक ढोल अपने आप ही गाने लगी। मेरे पास एक राज है, मेरे पास एक राज है, जिसे किसी के भी कानों में नहीं पड़ना चाहिए, जिसे किसी के भी कानों में नहीं पड़ना चाहिए। राजा के बेटे के बैल के कान हैं, राजा के बेटे के बैल के कान हैं। यह सुन संतरी ने जल्दी से ढोलकिया से ढोलक छीन ली और चिल्लाते हुए बोला, कोई राजा के रहर से नहीं बन सकता। अरे कोई तुम्हें पकड़ ले इससे पहले तुम भाग जाओ। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ढोलकिया का गाना सुन चुका था और ढोलकिया को अंदर लाने को आदेश दे चुका था। बेचारे को घसीट कर दरबार में लाया गया। हम सबको आपका राज पता चल गया है। राजा अब आप रह गया। उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री की ओर देखा। क्या ये सच है मंत्री? जी हाँ महाराज, हमने कभी कुछ इस वजह से नहीं कहा क्योंकि हम आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। अब राजा को एहसास हुआ
कि वह कितना क्रूर पिता है कि उसने अपने बेटे को इतने सालों तक सभी से छिपा कर रखा। अगले दिन राजा ने मंत्री को बुलवाकर राज्य में छुट्टी का आदेश देने को कहा। बावजूद सभी ने युवा राजकुमार का हाथ पिला पिला कर जय जयकार किया। जुलूस के आगे आगे था संतरी और उसके पीछे पीछे ढोलकिया जो अपनी नई ढोलक बजा रहा था। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी। सभी राज्य के लोग खुशियों से झूम रहे थे।